हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे। चलिए, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैं स्नेक सेवर सुशील आया हूँ स्नेक रिलीज करने के लिए दोस्तों, जो कि शुद्ध पर्यावरण और शुद्ध वातावरण में स्नेक रिलीज करने के लिए। जैसा कि देख रहे हैं, हरे भरे जंगलों में लाया हूँ एक नहीं चार चार कोबरा स्नेक, जो कि काफ़ी डेंजरस स्नेक है और काफ़ी खतरनाक है। अभी दिखाता हूँ आपको स्नेक को भी, जो कि काफ़ी डेंजरस स्नेक है और दोनों चारों के चारों कोबरा स्नेक है और काफ़ी डेंजरस स्नेक है। अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तब तक ये हरे भरे जंगलों को देखिए, प्यारा सा नज़ारा देखिए। सुबह का टाइम है और काफ़ी अच्छा जगह है ये, बहुत ही बेस्ट है। हम महसूस कर रहा है आदमी, यहाँ पे स्नेक भी काफ़ी अपने को सूटेबल समझेंगे सब। चलिए अभी निकालता हूँ और निकाल के दिखाता हूँ कि कौन सा स्नेक है, कैसा है। तब तक के लिए दोस्त बने रहिए हमारे चैनल पे, और हमारा चैनल है स्नेक महसूसी। तो प्लीज़ गाइस, वीडियो को देख के ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। चलिए दिखाता हूँ आपको स्नेक भी, पकड़ लो। तो हेलो दोस्तों, जैसा कि देख रहे हैं यही है स्नेक, जो कि अभी आपसे रूबरू कराऊंगा इसे खोल के। और काफ़ी एग्रेसिव मूड में है ये चारों के चारों स्नेक। अभी डिब्बे में है तो देख रहे हैं आप लोग कि कैसे फन फैला के अपने खड़ा है अट्रेक्टिव मूड में। अभी इन सबों को निकालता हूँ और निकाल के आप लोगों को दिखाता हूँ कि कैसे हैं और कितना डेंजरस स्नेक है ये। चलिए इन सबों को निकालता हूँ एक एक करके और दिखाता हूँ आप लोगों को। बेबी स्नेक है, कोबरा ही है लेकिन बेबी है। चलिए इससे पहले रिलीज करता हूँ और देखिए काफ़ी इसे आनंद आएगा कि शुद्ध पर्यावरण में जाएगा ये। चलिए प्यार से चला, अग्रेसिव मूड में है ये, काफ़ी डेंजरस है। इसे तो मैं निकालता हूँ और निकाल के आप लोगों को दिखाता हूँ। देखिए काफ़ी गुस्से में है ये। चलिए जैसा कि देख रहे हैं ये काफ़ी गुस्से में है दोस्त। और हेलो दोस्तों, जैसा कि देख रहे हैं ये इसका आक्रमण रूप है और काफ़ी डेंजरस है ये स्नेक। ये इसे भी मैं निकाल दिया और जो स्नेक और है उसे उससे भी निकालता हूँ और निकाल के आप लोग भू सलका खातिर चालान काट सकते हैं। दोस्तों जैसा कि देख रहे हैं, चलिए एक तो यही खड़ा करते हैं और दूसरे को भी निकालते हैं। हेलो दोस्तों, जैसा कि देख रहे हैं ये भी काफी अग्रेसिव है, काफी डेंजरस है। जैसा कि देख रहे हैं इन लोगों की एक्टिविटी काफी डेंजरस, काफी अग्रेसिव मोड में, ये तो काफी डेंजरस है। हेलो दोस्तों, देख रहे हैं जैसा कि ये काफ़ी अग्रेसिव मूड में है और काफ़ी एडिक्टिव मूड में है, और थोड़ा सा भी इन सबों को मौका दिया जाए तो ये वाइट कर सकते हैं। तो ऐसे में दोस्तों ये सब कभी भी स्नेक ये वाला दिखे तो थोड़ा साइलेंट हो जाए, सावधान हो जाए, क्योंकि काफ़ी डेंजरस स्नेक है ये और काफ़ी खतरनाक है। चलिए दो को दो खड़ा किया और एक को और निकालता हूँ। तो हेलो दोस्तों, जैसा कि देख रहे हैं ये एक नहीं तीन तीन कोबरा स्नेक, जो कि काफ़ी डेंजरस और काफ़ी एडिक्टिव मूड में है। तीन तीनों काफ़ी खतरनाक स्नेक है ये दोस्तों। फोटो ले दें। तो हेलो दोस्तों, जैसा कि देख रहे हैं ये तीनों स्नेक काफ़ी डेंजरस स्नेक है और इसे अपने वहाँ इसे गिमन बोलते हैं और कई जगह फेडार भी बोलते हैं। दोस्तों साइंस में इसे नाजा नाजा बोलते हैं। तो दोस्तों मैं बता दूं कि इन सबों का पसंदीदा भोजन चूहा है, कि चूहा को खाने के लिए हमारे और आपके घरों में ये एंट्री करते हैं और कहीं भी दिखते हैं तो अक्सर मारे जाते हैं। तो प्लीज़ गाइस, जैसे में कहीं भी दिखे तो इन्हें मारे नहीं, स्नेक सेवर्स के पास कॉल करके इन्हें रिसीव करवा लें, क्योंकि इन्हीं सबसे अपना पर्यावरण सेफ और सुरक्षित है।
जैसा कि देख रहे हैं दोस्तों, तीनों बिग साइज हैं। तो अपने इंडिया में चारों ओर मिलता है और काफ़ी अग्रेसिव रहते हैं ये इसमें, और जब भी इन्हें खतरा महसूस होता है तो ये काटने की कोशिश करते हैं। तो अगर गलती से अगर वाइट करे तो तक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पहुँचे और वहाँ जाकर अपनी इलाज कराए दोस्तों, झाड़ फूँक के चक्कर में ना रहें, ये तो खतरा हो सकता है, क्योंकि इन्हीं सब काटने से कुछ होता नहीं है दोस्त, बस मृत्यु हो जाती है अगर सही और समय से इलाज नहीं हो। तो जब भी इन्हें खतरा महसूस होता है तो ये अपना फैन फैला के और एग्रेसिव मूड में आ जाते हैं दोस्तों। और जो इस काफ़ी परेशान नहीं करूँगा, ज़्यादा परेशान नहीं करूँगा, क्योंकि ये दो दिन से पैक है और इसलिए मैं इन लोगों को एक एक करके रिलीज करता हूँ। कोई नंबर कोई सांप निकले आपको बुला लूँगा। चलिए पहले इसको छोड़ता हूँ, काफ़ी शांत है और जैसे मैं इधर करो है ना है। चलिए भागेगा तो जूम करके ले लीजिएगा। दोस्तों चलिए एक रिलीज कर दिया, ये अब जाएगा अपने जीने में। तो मैंने रिलीज कर दिया, वो अपने जगह पे चला जाएगा। काफ़ी यहाँ पे ये लोग अच्छे महसूस कर रहे होंगे क्योंकि ये अपने जीवन से आज़ाद हो रहे हैं और सारे लोग आज़ाद जीना चाहते हैं। तो मैं इन लोगों को क्यों गिरफ्त करके रखूँ देखो। और ये भी बहू दोस्तों जैसे जा रहा है, देखते कैसे देखिए होगा, देखिए तो सबके जान प्यारे होते हैं दोस्तों, इसलिए मैं बता रहा हूँ। चल दोस्तों जैसा कि देखा आप लोगों ने, दोस्त नेको को तो रिलीज कर दिया और ये एक बच्चा है दोस्तों, ये काफ़ी डेंजरस है और काफ़ी अग्रेसिव मूड में है, ये काफ़ी ख़तरनाक है, ये इसे भी छोड़ दूँगा बट थोड़ा सा समय लूँगा। चल दोस्तों जैसा कि देखा आप लोगों ने तो दोनों इसमें को तो रिलीज कर दिया और ये क्यों बचा दोस्तों, जैसा कि देख रहे हैं ये काफ़ी अग्रेसिव मूड में है दोस्तों। ये जो इसके सर पे ये दो निशाने दिख रही है, ये इसलिए है कि इन लोगों को अपने भोजन को तलाशने में थोड़ा सा इजी हो जाता है। लगे जा मत तो। हेलो दोस्तों जैसा कि देखा इस वीडियो को और काफ़ी करने की गलती ना करें दोस्तों, नहीं तो खतरा हो सकता है क्योंकि ये काफ़ी डेंजरस स्नैक है और काफ़ी अग्रेसिव मूड में रहता है और अग्रेसिव मूड में हो जाता है। तो दोस्तों कभी भी दिखे तो इससे इस स्नैक से सावधान हो जाए क्योंकि काफ़ी डेंजरस स्नैक है, बस इन सबों के काटने से कुछ होता नहीं, इंसान की मृत्यु हो जाती है। चलिए मैं इसकी नसीली दांतें दिखा दूँ कि देख रहे हैं, इसका मैं बेनमस दंत दिखाता हूँ जो कि अगर हला देते हैं तो दोस्तों बचने का चांस बहुत। यहाँ से तोड़ देना डंटी, तो ये वाइट करने की कोशिश करता है। थोड़ा सा जूम करके दिखा दीजिए। तो हल दोस्तों ऐसे में ज़्यादा खिलवाड़ नहीं करना चाहिए इस स्नेक के साथ। और चलिए मैं इन्हें भी रिलीज करता हूँ क्योंकि ये लग रहा है कि मैं खतरे में हूँ, बट इसे नहीं पता है कि कौन से बचाने हैं और कौन मारने हैं। मैं तो इन्हें सेव और सुरक्षित रिलीज करने के लिए लाया था, जो कि कल शाम को इसको पडौना से एक वर्मा जी हैं उन्हीं के वहाँ रिसीव किया था। तो चलिए मैं इसी
शुद्ध वातावरण और शुद्ध जंगल में बहुत ही प्यारी सी जंगल है और यहीं मैं विजिट करता हूँ। और इस वीडियो को देख के कॉपी करने की गलती ना करें दोस्तों, क्योंकि यह कार्य एक्सपर्ट व्यक्ति के लिए है, अन्यथा खतरा हो सकता है और जब भी दिखे तो थोड़ा सावधान हो जाए। चलिए मैं इन्हें भी रिलीज करता हूँ। आगे सुन बाबू, यहाँ पर फिलहाल दोस्तों काफ़ी अग्रेसिव मोड में है ये, अभी चला जाएगा अपने राह। फिलहाल दोस्तों इसे खतरा महसूस हो रहा है कि हम बच नहीं पाएंगे, चलिए मैं इसे भगाता हूँ क्योंकि इसे लग रहा है कि हम नंबर हो बाबा वही मैं यहाँ से आ गई यहाँ ले जाना मुझे लगभग तो जैसा कि देखा आप लोगों ने, सारे स्नेक को यही रिलीज किया हूँ शुद्ध वातावरण में और शुद्ध पर्यावरण में। दोस्तों बहुत ही अच्छा जगह है ये और यहाँ अपना अच्छे से ये जीवन जी लेंगे और यूँ स्नेक को अच्छे से रिलीज कर दिया और कोई खतरा नहीं और कोई वो नहीं है। तो दोस्तों ऐसे हम वीडियो को देख के कॉपी करने की गलती ना करें क्योंकि यह कार्य किस वक्त व्यक्ति के लिए, अन्यथा खतरा हो सकता है। और जब भी कभी वाइट करें तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पहुँचे और वहाँ जाकर अपनी इलाज कराए, झाड़ फूँक के चक्कर में ना रहे दोस्तों, नहीं तो खतरा हो सकता है। बस इन सबों के काटने से कुछ होता नहीं है, सही और समय से इलाज नहीं हो तो इंसान की मृत्यु हो जाती है। तो प्लीज़ यार जैसे मैं इस वीडियो को देख के और ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, मैं अपने जान पे खेल के आप लोगों के लिए रियल वीडियो लेके आता हूँ जिससे कि आप लोगों का मनोरंजन भी होता है और एनजीओ का जान भी बचता है। तो प्लीज़ यार जैसे मैं वीडियो को देख के ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।